तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब। तो भाई आज अपन आईफोन 11 में BGMI का टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको फ़ोन के ग्राफिक्स वगैरह दिखा देता हूं। भाई इसमें अपन HDR प्लस एक्सट्रीम पे खेलेंगे और भाई फ़ोन का लुक आपको दिखा देता हूं। देखो देखने और भाई पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये फ़ोन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये आईफोन 11 का फुली रिव्यू देने वाला हूं। अगर आप इस फ़ोन को BGMI खेलने के लिए लेना चाहते हैं हेवी गेमिंग के लिए, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर यूट्यूब चैनल के लिए, और अगर आप कस्टम्स वगैरह भी इसमें प्ले करना चाहते हैं तो भैया ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन की कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं। तो भैया ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये वाला है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो इसकी ऑनलाइन प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 56,000 अगर आप नया फ्लिपकार्ट वगैरह से लेते हैं तो, और अगर आप इसको सेकेंड हैंड भी खरीद रहे हो OLX वगैरह कहीं से भी तो भैया बैटरी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के देखिए, 80 अबोव होनी चाहिए थोड़ी बैटरी। देखो यार जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि भाई तुम इसमें गेमिंग वगैरह करोगे तो थोड़ी बैटरी और जाएगी। तो भाई बैटरी हेल्थ का थोड़ा देख लेना। और भैया इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं अपन। तो भैया इसमें एप्पल की A13 बायोनिक चिप है, जो कि भैया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि हद से ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई इसमें सबसे बेस्ट रहता है यार M-Assist इसका सबसे बेस्ट रहता है। और भाई जायरो तो इसका नेक्स्ट लेवल है यार एंड्रॉयड में, तो भाई ऐसा पता नहीं कब देखने को मिलेगा, शायद ही कभी हो पाए एंड्रॉयड में ऐसा जायरो और M-Assist। तो भाई मतलब कि यार अगर आप इसमें गेम खेलते हो तो आपको ऐसा लगेगा भाई 4K वीडियो देख रहे हो, इतनी स्मूथनेस भाई, मतलब कैसे यार क्या करते भाई ये बायोनिक चिप में ऐसा जो इतना स्मूथ गेम चलता है समझ नहीं आता भाई। तो मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहेगा अगर आप यार गेमिंग के लिए ये iOS में जाते हो तो, मतलब आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हो तो कस्टम की भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे आप, कस्टम वगैरह खेलते हो उसकी भी, क्योंकि भाई मेन देखो आपको पता ही है कस्टम के वीडियो ज़्यादा डालते हैं बंदे। तो भाई अगर आप कस्टम वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो बहुत सही रहेगा, और अगर आप कस्टम के लिए लेते हो तो आपके मतलब नेक्स्ट लेवल रहेगा भाई। बाकी अगर आप एंड्रॉयड वगैरह लोगे तो भाई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, अगर आपको FPS चाहिए चिपक के तो भैया रिकॉर्डिंग तो आपको उम्मीद ही नहीं है कस्टम में कर पाओ, बस नॉर्मल क्लासिक मैच में कर सकते हो क्योंकि उसमें लास्ट जोन में इतने बंदे नहीं होते। तो भैया अगर आपका बजट है तो भाई आराम से यार ये फ़ोन ले सकते हो भाई, मतलब कि नेक्स्ट लेवल रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगा भाई। जायरो और M-Assist ऐसा कभी आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और भाई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह का तो कोई इशू है ही नहीं इसमें, और भाई 4K टाइप ही चलता है गेम, तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। तो भैया ये आईफोन 11 हमारा अश्वत्थामा भैया का जो इसमें कस्टम वगैरह खेलते विथ रिकॉर्डिंग, तो भाई मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है गेम, कोई इशू नहीं है। और भाई उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप चाहो तो उनकी वीडियोस देख सकते हो, मॉन्टेज वगैरह बनाते हैं वो, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई। तो भैया अभी जो BGMI आया है भाई, जब से BGMI आया है एंड्रॉयड फ़ोनों की तो भाई 12 बजी हुई है, मुझे पता है सब फ़ोन में कोई ना कोई इशू चल रहे हैं भाई, BGMI का बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है, क्योंकि भाई देखो गेम सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से PUBG बैन हुआ है भाई, मतलब एंड्रॉयड के लिए तो ऑप्टिमाइज़ अच्छे से हो ही नहीं रहा है गेम BGMI वालों से, क्योंकि भाई देखो जितने भी 20 से 30 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन से भाई उनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, किसी के जायरो प्रॉब्लम, M-Assist प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स का भंडार है, आप जाके प्ले स्टोर पर देख सकते हो भाई, मतलब इतनी कंप्लेंट्स पड़ी है एंड्रॉयड वाले बंदों की, जिसके हैवी से हैवी प्रोसेसर वाले बंदे भी रो रहे हैं भाई। आप चाहो तो भाई देख सकते हो प्ले स्टोर के कमेंट सेक्शन खोल के भाई, मतलब कितने बंदों के इतना इशू आ रहा है इस BGMI में, M-Assist वगैरह कोई वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, जायरो वर्क नहीं कर रहा, मतलब पिंग भी किसी के सही नहीं आ रहे, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ ही नहीं किया गया ये गेम अभी तक। कभी कभी अच्छा चलता है भाई, कभी कभी तो बिल्कुल ही बकवास चलता है। मैं भाई एक एंड्रॉयड फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी में ऐसा हो रहा है भाई, एंड्रॉयड वाले तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है बंदे। जो नॉर्मल खेलते हैं उनको तो पता है भाई कोई दिक्कत नहीं आती है इतनी नॉर्मली, और भाई जो कस्टम्स वगैरह खेलते हैं उनको तो पता ही है, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी करते हैं उनको पता ही है क्या हाल है। FPS भाई 60 FPS वाले फ़ोन भी 60 FPS नहीं दे रहे, इतना गंदा ग्लिच चल रहा है। तो भाई 2021 में अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो ना तो भाई यार भले आप सेकेंड हैंड ले लो पर एंड्रॉयड मत लेना भैया, बहुत रोओगे भैया, मतलब नहीं है कुछ। तो भाई अगर आप ऐसे टाइम पास के लिए खेलते हो तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन चलेगा यार, लेकिन अगर यार जो भाई हैवी गेमर जो कस्टम वगैरह खेलते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करते, वीडियोज़ बनाते भाई, उनको मैं बता दूँ भाई मत लेना एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन में, आज के टाइम पर कोई फ़ायदा नहीं है, को बिल्कुल भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है गेम, पता नहीं ये कब करेंगे अच्छे से ऑप्टिमाइज़, पर उसके चक्कर में अपन बैठ भी नहीं सकते। तो आप जितना हो सके iOS लेने की ट्राई करो भाई, iPhone XR पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो भी ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो वहाँ से। तो आपको जैसा बजट बैठे आप ले सकते हो फ़ोन, मतलब iOS में शिफ्ट हो गए तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।